हेलो फ्रेंड्स, आईटीबीपी ने रिक्वायरमेंट निकाली है 186 कांस्टेबल की, जो मोटर मैकेनिक की पोस्ट है और जो जॉब पब्लिश हुई है ये 29 अक्टूबर को हुई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10th, 12th या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 27 नवंबर 2022। और जॉब पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल की 186 पोस्ट है और इनका काम होगा मोटर मैकेनिक का, जो ग्रुप सी पोस्ट की है। और IDBP है रिलीज एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्वायरमेंट 58 हेड कांस्टेबल एंड 128 कांस्टेबल मोटर मैकेनिक। इसमें 58 हेड कांस्टेबल है, 128 मोटर मैकेनिक के कांस्टेबल हैं। इसको इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 29 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक। इसमें जो टोटल पोस्ट है 186 है, तो देख लेते हैं हम आगे इन्होंने कैसे कैसे पोस्ट निकाली है। तो नंबर ऑफ पोस्ट हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की है 58 पोस्ट। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है आपके पास, या तो क्लास 12th पास होनी चाहिए या फिर मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या फिर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्कशॉप का। और इसकी जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। और इसमें जो सैलरी रखी गई है वो है 25,500 से 81,100 तक। सेकेंड पोस्ट देख लेते हैं। इसमें जो सेकेंड पोस्ट है वो है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, ऊपर वाली हेड कांस्टेबल की थी, और ये जो सेकंड है 128 पोस्ट निकाली है जो नंबर में, वो है सिर्फ कांस्टेबल्स की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है क्लास 10th पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्कशॉप मोटर मैकेनिक का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 25 साल है। इसकी सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100। और इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसमें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं 27 नवंबर 2022 तक। आप देख लीजिए, इसमें इसकी वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट पे जाके इसको पोस्ट को देख सकते हैं और एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट होगी। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 100 रुपीज़, और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपीज़, और जो फीस नहीं है वो SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। कॉन्स्टेबल सिलेक्शन प्रोसेसर इन IDPP। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेसर देख लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेसर क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन PET, PST, रिटन एग्जाम, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 3 स्टेज में डिवाइड होगा सिलेक्शन प्रोसेसर, PET, PST, रिटन एग्जाम, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम में। तो जो इसकी 3 स्टेज है, स्टेज फर्स्ट में क्या आएगा, स्टेज फर्स्ट में आएगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET। ये आपको क्लियर करना जरूरी है। इसमें रेस होगी 1.6 किलोमीटर की 7.5 मिनट में, एक लॉन्ग जंप 11 फीट की और हाई जंप 3.5 फीट की, जिसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे। सेकेंड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल। PET टेस्ट के जो भी निकलेंगे उसमें हाई चेस्ट मेजरमेंट और वेट होगा सेकेंड स्टेज में। और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, स्टेज सेकेंड में आपका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे, और रिटन टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होगा डॉक्यूमेंटेशन में, वो अपीयर होगा रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो 2 घंटे का होगा, और ये बेस्ड होगा 12th क्लास और 10th क्लास के बेस पर। इसमें जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो 10 मार्क्स के होंगे, और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 10, वो भी 10 मार्क्स के होंगे। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे 10 क्वेश्चन। और इसमें आएगी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और सबका जो मार्क होगा 1 क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और ये भी आपको 10 मार्क्स के होंगे। और ये जो ट्रेड है मोटर मैकेनिक की, इससे रिलेटेड थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 60 यानी कि 60, और इनका नंबर भी टोटल नंबर भी 60 होगा, मतलब 1 क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। फिर आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स विल बी टेकन। जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें व्हीकल इंस्पेक्शन 15 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स 15 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स 15 मार्क्स, और हैंडलिंग ऑफ टूल्स 5 मार्क्स के। और जो स्टेज थर्ड होगी, इसमें होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी पुट थ्रू DME टू एक्सेस देयर फिटनेस एज पर रूल। मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जो भी कैंडिडेट आएंगे मेरिट लिस्ट पर, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, मतलब उनकी पूरी फिजिकल जो फिटनेस होगी उसे वेरीफाई करेंगे। और स्टार्टिंग डेट इसकी 29 अक्टूबर है, लास्ट डेट है इसकी 27 नवंबर। अभी काफ़ी दूर है, आप भर सकते हैं इसको आराम से। और इसके जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ये आप देख सकते हैं, इस लिंक्स पर जाकर आप इनकी इस पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप फिल कर दीजिए। थैंक यू।